चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया, दैट इज चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो अब लाइंस एंड एंगल्स हम लोग बात करेंगे, ऑलरेडी हम लोग जो ऑलरेडी 6 7 8 7 में हम कर चुके हो, एक बार उन टॉपिक्स को मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा आप सभी को। सपोज अगर हमारे पास ये कोई भी दो लाइंस है, एक लाइन एन है एक लाइन एम है, कभी भी कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल है, कभी भी कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल है, तो वहां पे एक लाइन जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगी, तो ये जो लाइन है हमारी पी, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। मैंने बोला कि यहाँ पे ये दोनों जो लाइंस है, ये दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे कुछ ना कुछ एंगल्स बनेंगे। इसको एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 एंगल्स बन जाएंगे। फिर हमारा आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? ऑन द सेम साइड, ऊपर या नीचे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर कौन कौन से हैं? एंगल 1 एंड एंगल 5, दोनों राइट साइड पे दोनों लाइंस के ऊपर की तरफ है, एंगल 1 एंड एंगल 5। और जब दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, फिर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली राइट साइड पे नीचे की तरफ एंगल 4 है और यहां पे एंगल 8 है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ यहां पे एंगल 2 और यहां पे एंगल 6, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे दोनों नीचे की तरफ एंगल 3 भी और एक तरफ एंगल 7 है, ये सारे के सारे हमारे कौन से एंगल्स हैं? दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट, अगला हमारे पास होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कौन से होते हैं एंगल्स? जो जेड के अंदर बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जेड बनाए तो कौन कौन से एंगल्स बीच में आ जाएंगे? एक आ जाएगा हमारा 4 एंड 6, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर है। मोर ओवर एंगल 3 एंड एंगल 5, सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो एक हो गए हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब सेम साइड पे ऊपर नीचे वाले हो गए, जो ऊपर की तरफ पेयर हो गए वो इक्वल, जो नीचे की तरफ वो इक्वल, लेफ्ट साइड पे जो ऊपर वो इक्वल, जो लेफ्ट साइड पे नीचे वो इक्वल। z की शेप में 3 एंड 5 एंड 4 एंड 6 कोरस्पोंडिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। सिमिलरली ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अब ये हमारे कौन से एंगल्स होंगे? ये होंगे जो z में बाहर की तरफ है। जैसे हम यहां पे ये z बना रहे हैं 3 एंड 5, तो यहां पे एक एंगल हो जाएगा 2 और यहां पे आ जाएगा हमारा 8। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, जो कि हमारा व्हिच इज आवर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और ऐसे ही जब यहां पे z बनाएंगे उल्टा z, तो यहां बाहर एंगल 1 है और एक तरफ एंगल 7 है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। इज दिस क्लियर? पहला हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होता है? जो अंदर की तरफ है, जेड एक ऐसा बना रहा है, उल्टा जेड बना रहा है। अब ऐसे ही जेड में जो बाहर की तरफ, जब ऐसे जेड बनाएंगे तो इतना टू उधर ही ना बाहर, इस तरह गिरा है, तो इसमें इक्वल। उल्टा जब जेड बनाएंगे एक तरफ बाहर बन और एक तरफ यहाँ पे है सर। नोट कर लीजिए, नोट करके डन दी चैट बॉक्स, नोट करिए इसको, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सम ऑफ सॉरी को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, अब ये को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? नाउ वी हैव को इंटीरियर एंगल्स, मतलब अंदर की तरफ सेम साइड पे, लेफ्ट साइड पे बात करूं अंदर की तरफ कौन कौन से एंगल है? एक तो 3 है और एक 6 है, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। गलत, जो को इंटीरियर होते हैं ये अंदर की तरफ होते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 डिग्री होता है। ऐसे ही राइट साइड पे
अंदर की तरफ है हमारे 4 and 5, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, वी राइट सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, और 180 डिग्री को बोलते हैं सप्लीमेंट्री, 180 डिग्री को बोलते हैं सप्लीमेंट्री। Now moving ahead, हो गया सबका, now after this अब हमारे पास आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जिसको बी ओ ए भी लिखते हैं, बट आपने नहीं लिखना, आपने फुल फॉर्म लिखनी है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, कभी भी कोई भी दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करेगी, कभी भी कोई भी दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, सो इन दैट केस जो ऑपोजिट एंगल्स बन रहे होते हैं ये हमारे आपस में इक्वल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल 1 and 3 दोनों वर्टिकल ऑपोजिट है, 2 और 4 ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट है और ये आपस में इक्वल भी होंगे। सो वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, नीचे की तरफ 5 इक्वल टू 7 और यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 8, angle 6 is equal to angle 8. These are vertically opposite angles. अब हमारे पास इस चैप्टर में सबसे पहले थ्योरम ही आपके पास यही है, 6.1, प्रूव दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकल एंगल्स को इक्वल कैसे दिखाएं, हाउ कैन वी शो दैट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए थ्योरम नंबर 6.1, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसको प्रूव करने के हम लोग क्या करेंगे, दो लाइन को कंसिडर करेंगे, we will consider two lines which are intersecting each other, assume कर लेते हैं AB एक line है, CD एक दूसरी line है, ये दोनों की दोनों lines आपस में क्या कर रहे हैं, intersect कर रहे हैं, और intersect कहाँ कर रहे हैं, किसी point O पे intersect कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, consider two lines AB and CD which intersect each other at O, दो लाइंस हैं, दो लाइंस आपस में कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी एक पॉइंट O पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। दिस इज थ्योरम नंबर 6.1, नॉट एक्सरसाइज 6.1, दिस इज थ्योरम नंबर 6.1। अब हमें यहां शो क्या करना है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, मैं नंबरिंग कर लेता हूं एंगल 1, 2, 3, 4, तो मुझे यहाँ शो क्या करना है कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और दूसरा क्या शो करना है कि 2 भी 4 के इक्वल है। अब ये शो कैसे करेंगे, सिंस CD इज अ लाइन, अगर CD एक लाइन है तो एंगल 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। Since CD is a line,
सी डी अगर एक लाइन है तो 1+2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 1+2 इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यों हो जाएगा? लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर बोलते हैं। ऑल्सो एबी इज अ लाइन, ऑल्सो एबी इज अ लाइन, यही पे प्रूफ कर रहा हूं इसका मैं यहां पे। ऑल्सो एबी इज अ लाइन, अब एबी भी लाइन है, अगर एबी लाइन है तो 1+4 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। If AB is a line, in that case 1+4 will be also AB is a line. अब AB अगर एक line है, तो 1+4 this is again is equal to 180 degree. Same reason linear pair. इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करिए। अब पहले वाले का सम भी 180 है, दूसरे वाले का सम भी 180 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो वी विल राइट फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट एंगल 1+2 इज इक्वल टू एंगल 1+4। दोनों तरफ एंगल 1 है, कैंसिल कर दो, यू विल बी लेफ्ट विद एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। आपके पास क्या आ जाएगा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और यही मैं यहां पे शो कर रहा हूं, व्हिच मींस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, which means vertically opposite angles are equal. Note कर लीजिए इसको, note करके done, note करिए इसको बेटा फटाफट। यहाँ पे अगर मेरे को 1 इक्वल टू 2 भी दिखाना हो तो वैसे तो मैं एक ही दिखाना होता है, बट अगर 1 इक्वल टू 3 दिखाते तो क्या करते हैं? पहला तो ठीक रहता, 1+2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एबी इज अ लाइन, एबी इज अ लाइन में हमने ऊपर वाले एंगल लिए एबी के, 1+4 में नीचे वाले एंगल ले लेता 2+3। यहाँ पे मैं क्या ले सकता था? एंगल 2+3 इक्वल टू 180 डिग्री लेता, तब एंगल 2+3 और यहाँ पे 1+2 जब इन दोनों को इक्वेट करता तो 1 और 3 आपस में इक्वल आ जाते। क्लियर है बात? तो आपको कोई भी एक पार्ट शो करना है, आप कुछ भी कोई भी एक पार्ट को शो कर सकते हैं। हाँ, बुक में पेज नंबर 94 थ्योरम नंबर 1, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal, ye humne abhi proof iska kar liya। theorem ke end mein black color ka box laga hua hai, ab black color ka box laga matlab ki examination point of view se this theorem is important, exam mein ye theorem aa sakti hai। to jis bhi theorem mein hai, ab aapke paas jo bhi geometry ke chapter mein जिस भी थ्योरम के एंड में ऐसे अगर ब्लैक कलर का बॉक्स लगा होगा तो उसका मतलब है कि वहां पे जो आपकी थ्योरम है वो एग्जाम में आ सकती है। फर्दर नाउ एग्जांपल नंबर 1, ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस। एग्जांपल नंबर 1, लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एग्जांपल 1, we have PQ and RS, PQ RS, यहाँ पे point O है, we say that angle POR and ROQ, आपको given है angle POR ratio ROQ, this is equal to 5:7,
और आपको बोल रहा है फाइंड ऑल दी एंगल्स, फाइंड ऑल दी एंगल्स। ओके बेटा यहीं से देखकर होगा। अब आपके कौन कौन से एंगल की बात कर रहा है? पी ओ आर, पी ओ आर का है ये रहा, आर ओ क्यू का है ये रहा। तो हम लोग इन दोनों एंगल्स की बात कर रहे हैं और निकालने वाले सारे एंगल्स हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट पी ओ आर, लेट एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू फाइव एक्स, फाइव इज टू सेवन की रेशियो है, तो पी ओ आर हो जाएगा फाइव एक्स, आर ओ क्यू हो जाएगा सेवन एक्स। And angle ROQ, this is equal to 7x. अब क्या करें? Now, ये हमारी straight line है, PQ is a straight line, और इस straight line के नीचे की तरफ दोनों angles हैं, एक ही line पे दो angles बोल रहे हैं, दोनों का सम कितना होगा? 180 degree linear pair. We write since PQ is a line which implies angle POR plus ROQ is equal to 180 degree. क्यों हो जाएगा 180 degree? Linear pair. This is equal to 180 degree linear pair. POR की जो value है ये आपके पास 5x है, QR की value 7x है, दोनों का sum लो हो जाएगा 12x, so 12x is equal to 1 80 degree, 12x is equal to 180 degree. जिससे x की वैल्यू निकालिए, x कितना आ जाएगा यहां से हमारा, what will be x from here? ये 5 तो नहीं होगा बेटा, गलती से लिख दिया होगा तो आपने, which is equal to 15. एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे? 15 आ जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? दो एंगल्स रेशियो में गिवन है, तो पहला एंगल 5x, दूसरा वाला एंगल 7x, दोनों एक साथ में लाई कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म करेगा 180 डिग्री, जिससे x की वैल्यू आ गई। अब पहला वाला एंगल कितना है? POR, POR की वैल्यू निकालो, कितना है ये? 5x, 5 into 15, 75, फिर है आर ओ क्यू 7x, 7 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 105, आर ओ क्यू 7x, 7 इंटू 15 इज इक्वल टू 105। और अभी तो हमने सिर्फ दो ही एंगल्स निकाले हैं, आपको बाकी भी एंगल निकालने हैं। सो इधर देखिए बेटा सब लोग, यहाँ पे तो ये वाला एंगल है पी ओ एस, पी ओ एस ये किसके इक्वल हो जाएगा? नीचे वाले के, QOS RK, so we can say that angle POS is equal to ROQ is equal to 105, और ये दोनों angles आपस में equal क्यों हो गए? कौन से angles form करेंगे दोनों? हमी इसमें कौन से angles से form कर रहे हैं? This is vertically opposite angles, very good. This is vertically opposite angles, vertically opposite angles. Also, ये दोनों angles भी आपस में equal होंगे, SOQ POR के equal हो जाएगा. Also, angle SOQ is equal to POR, which is equal to 75 degree. The same reason, vertically opposite angles. Same reason, vertically ऑपोजिट एंगल्स। नोट कर लीजिए बेटा इसको, नोट करके चार्ट बॉक्स पे डाल, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपके पास PQ और RS, PQ एंड RS दो लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट करती किसी पॉइंट O पे, POR और ROQ, POR एंड ROQ इसकी रेशियो कितनी है? 5:7, तो POR की वैल्यू है 5x, QR की वैल्यू है 7x। इन दोनों का सम आपके पास कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा इन दोनों का सम। जब इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, जब आपके पास x आ जाएगा फिर आप क्या करेंगे? POR, POR की वैल्यू 5x है, 5 into 15 75, 7 into 15 105। फर्दर
POS की वैल्यू नीचे वाले एंगल QR की इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे SOQ की वैल्यू इधर POR के इक्वल हो जाएगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आई गेस एंड होप सभी को क्लियर है, जिन्होंने एक पढ़ाई करी थी बिना चीटिंग करे ऑनलाइन उन लोगों को तो समझ आ ही गया होगा अच्छे से। फर्दर एग्जाम्पल नंबर टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सेम आ जाता जाएगा बट अभी हम नहीं कर रहे। ऐसे ही एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से स्कूल के एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस एक्सरसाइज में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी आते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 फिगर बनाइए इसकी। एक्सरसाइज 6.1 फिगर नंबर 1 लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, लाइंस AB and CD intersect each other at a point O। यहाँ पे हमारे पास एक रे है OE, आपको गिवन है AOC plus BOE, angle AOC plus BOE is equal to 70 degree, BOD 40 degree के equal है, BOD is equal to 40 degree, find BOE and reflex COE, find angle BOE और क्या निकालना है, reflex COE, देखते हैं क्या क्या करना है और क्या गिवन है। AOC plus BOE, AOC ये रहा, BOE ये रहा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम मेरे को एक साथ गिवन है, इतना गिवन है 70, BOD, BOD ये रहा, ये कितना गिवन है मेरे को 40 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो अगर ये BOD अगर 40 है तो इसके ऑपोजिट कौन सा है, AOC, सो BOD और AOC दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, BOD और AOC दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्यों सेम हो जाएगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो वी राइट एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD व्हिच इज इक्वल टू 40 डिग्री फॉर द रीजन ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब क्या करें, सब लोग नोट करने में लगे हुए, कोई समझने में नहीं लगा हुआ, सब टेपने में लगे हुए हैं, जिनके कैमरा हो ना उन्हीं की बात कर रहा हूँ, सब टेपने में लगे हुए हैं, कोई समझने में क्यों, अच्छा नहीं पहले समझने फिर लिखने, साथ के साथ लिखने में लगे हुए, घसीटे जा रहे हैं। AOC और BOE इन दोनों की जो वैल्यू है ये हमें गिवन है 70 डिग्री, जिसमें AOC की वैल्यू अब यहां से ऑलरेडी निकाल चुके हैं 40, सो यहां से आपके पास BOE की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 30 डिग्री, सो यू विल राइट एंगल जो आपको गिवन है AOC प्लस BOE, ये हमें कितना गिवन है 70 डिग्री गिवन है, जिसके अंदर AOC की वैल्यू हमने यहां निकाली है 40 प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो BOE की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30 डिग्री, ये आपके पास आ गया 30, ये हमारे पास आ गया है 40, निकालना क्या है BOE, अब BOE कहां पे है, ये रहा BOE, ये तो निकल गया हमारा 30 डिग्री। सेकंड पार्ट पे क्या निकालना है, रिफ्लेक्स COE, रिफ्लेक्स COE, COE का रिफ्लेक्स निकालना है, COE कहां है मेरा, दिस इज COE,
तो COE की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? COE की देखिए, अब AB एक लाइन है, सिंस AB इज अ लाइन, तो यहां पे ये तीन एंगल जो बन रहे हैं ऊपर की तरफ, इन तीनों का जो सम है वो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE, इन तीनों का सम 180 डिग्री क्यों हो जाएगा? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, जहां पर AOC और BOE, AOC और BOE इन दोनों का सम 70 गिवन है, तो COE की वैल्यू निकालो। COE की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 110 डिग्री, COE की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बट हमें COE नहीं निकालना, मेरे को क्या निकालना है? रिफ्लेक्स निकालना है। तो किसी भी एंगल का जब रिफ्लेक्स निकालना होता है तो हम लोग उसी एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं। रिफ्लेक्स COE किसकी हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस COE, 360 माइनस 110, ये आपके पास आ जाएगा 250। अब नोट कर लो, फिर दोबारा से करें इसको, एक्सप्लेन करूंगा आपको। नाउ क्वेश्चन को दोबारा से रिटर्न करते हैं। क्वेश्चन में आपके पास गिवन था AB एंड CD, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही किसी पॉइंट O पे, OE यहां पे कोई भी हमने एक रे ड्रॉ करी हुई है। आपको क्वेश्चन में गिवन है AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE दोनों का सम आपको 70 डिग्री गिवन है, BOD की वैल्यू 40 है। अब BOD एंड इधर AOC ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्यों इक्वल हो जाएंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिससे BOE की वैल्यू भी आपके पास AOC और BOD इक्वल हो गए, 40 डिग्री आ जाएगा। फर्दर AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE 70 डिग्री गिवन है, AOC की वैल्यू 40 है, 40 जब राइट हैंड पे जाएगा सबट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 30 डिग्री आ जाएगा, जिससे BOE आ गया 30 डिग्री। तो हमारा पहला पार्ट BOE 30 डिग्री आ गया। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्स COE, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री को माइनस करके। तो COE कहां पे है? ये रहा, एक स्ट्रेट लाइन पे तीन एंगल्स का जो सम है वो हमारा कितना है? 180 डिग्री। 40 प्लस ये वाला एंगल COE प्लस 30, तीनों का सम कितना है हमारा? 180 डिग्री। COE की वैल्यू आ जाएगी 110। इसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 डिग्री में से उस एंगल को सबट्रैक्ट कर देंगे। इज दिस क्लियर? जिनका भी डाउट था सर डोंट रेज, आई एम डूइंग, कर लो बेटा नोट कर लो, नो प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, फिगर ड्रॉ कर लीजिए बताइए इसकी। क्वेश्चन नंबर टू की फिगर ड्रॉ करिए। यहां पे गिवन एक्स एंड वाई, यहां पे परपेंडिकुलर साथ ही है, दिस इज पी और एम एन आपके पास इंफॉर्म रहे हैं। आपको यहाँ पे एंगल गिवन है, दिस इज एंगल ए बी, बॉटम पे यहाँ पे हमें गिवन है एंगल सी, आपको गिवन है कि एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी ओ वाई 90 डिग्री है। फर्दर गिवन है ए इज टू बी, ए इज टू बी की रेशियो 2:3 है, गिवन एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए रेशियो बी कितना है? 2:3 है,
हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर सी। कैसे करें इसको? करने के लिए हमें सबसे पहले ए और बी इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे ए और बी ये दोनों के दोनों हमारे रेशियो में गिवन है। कौन से रेशियो में बेटा? 2:3 में गिवन है। दोनों लिखेंगे कैसे? लेट जो ए है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2x, बी बी की वैल्यू हो जाएगी 3x। ए ए की वैल्यू है 2x, बी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x के इक्वल हो जाएगी। Now we can see that xy is a line, a b और ये 90 तीनों स्ट्रेट लाइन पे लाइन करते हैं। Since xy is a line which implies a plus b plus 90 which is equal to 180 degree, क्यों हो जाएगा 180 degree? Sum of angles on a straight line. Sum of angles on a straight line. A की वैल्यू आपको 2x है हमारे पास, B की वैल्यू 3x. 2x plus 3x is equal to 5x. 90 को राइट साइड पे जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो तो याद रहेगा 90 जिससे x x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 18 डिग्री आ जाएगी। x is equal to 18 डिग्री। अब x अगर 18 आ गया तो हम a और b कैसे निकालें? a की वैल्यू 2x है, 2 into 18 36, b हो गया 3x, 3 into 18 which is equal to 54, which is equal to 54। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? यहां तक क्लियर है? ए और बी 2:3 की रेशियो में थे, ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 3x, तो 2x plus 3x plus 90 equal 180 डिग्री। जैसे यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन में निकालना क्या है? We have to find C. We have to find C. C कैसे निकालें? C ये रहा। अगर ये MN एक लाइन है, दोनों नीचे की तरफ, तो B plus C कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पे। We'll write also MN is a line. अब अगर MN एक लाइन है, तो B plus C की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। B plus C is equal to 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? By linear pair B, B की वैल्यू 54 plus C is equal to 180 degree, तो C की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 126 degree. C is equal to 126 degree. Note कर लीजिए, note करके done in the chat box. नोट करके डन देख। Now, next question. Question number 3, important question है ये भी। बड़ा जिन-जिन questions में important बोल रहा हूँ, book में mark कर लेना। Because yesterday I came across a student जिन्होंने science की book में कुछ भी mark नहीं कर रखा था। आई होप आप सब लोग बुक्स में मार्क कर रहे होंगे। ऐसे ना सबने बुक ओपन करी है तो हमें बुक ओपन करने की जरूरत ही नहीं है।
यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 6.15 आपको बोल रहा है एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, PQR अंदर वाले एंगल्स PRQ, PRQ के इक्वल है। शो क्या करना है कि PQS PRT के इक्वल है, शो क्या करना है PQS PQS ये बाहर वाला एंगल इसके इक्वल है, इधर बाहर वाले के PRT के इक्वल है। कैसे करें, ये अंदर के दोनों एंगल्स इक्वल किधर है, बाहर वाले इक्वल दिखाने हैं, तो मैं काम करता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए इनकी नंबरिंग कर देता हूँ, इधर एंगल 1 2 यहाँ बाहर कर देते हैं 3 और यहाँ पे लिख देते हैं 4। कैसे करें, यहाँ पे एक लाइन है तो ये एंगल 1+3 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल 1+3 इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यों हो जाएगा ये, दिस इज लीनियर पेयर, राइट साइड पे 2+4 ये भी हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री क्यों हो जाएगा, लीनियर पेयर नाउ 1+3 180 है, 2+4 180 है, 1+3 180, 2+4 180, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का सम 180 है, तो बोल सकते हैं कि 1+3 2+4 के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 1+3 इज इक्वल टू एंगल 2+4। क्वेश्चन में PQR PRQ, PQR की वैल्यू क्या है एंगल 1, PRQ की क्या 2, तो एंगल 1 एंगल 2 की ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 की वैल्यू पुट कर दो दैट इज PQS, PQS एंगल 4 की वैल्यू पुट करो दैट इज PRT, that is equal to PRT. Is this clear now? Wait.